गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि कल हम लोगों ने लॉग टॉपिक स्टार्ट किया था, लघुगणक क्लास 9 के लिए कल हम लोगों ने लघुगणक स्टार्ट किया था। पॉलीनोमियल्स खत्म करके लघुगणक हम लोग लॉगरिथम्स स्टार्ट किया था। आज हम उसी पे देखेंगे। कल हमने लॉग को लिखना बताया था, आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे उसी पे। जैसा कि हमने कल बोला था कि जैसे अगर 2 की पावर में 3 कोई चीज लिखा होता है 8, इसे हम लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे। तो लॉग बेस तो सेम रहेगा, इसका जो मान होता है वो 8 होता है, इज इक्वल टू 3। तो बोला क्या गया था कि किसी भी आधार पर जो वैल्यू होती है घात के बराबर होती है लॉग का वैल्यू। ठीक, तो हमने ये देखा था कल, हमने कई सारे क्वेश्चन दिए भी थे। आज हम जैसे कि रूट 9 इज इक्वल टू अगर 3 अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 9 की पावर में 1/3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3। तो यहां से लॉग 3 log base 9 is equal to 3 is equal to 1 upon 2। मतलब कि जब रूट में अगर रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इस तरीके से लिखेंगे। और इसी पे क्वेश्चन, जब सपोज मान लीजिए कि 2 के पावर में 1/4 अगर लिखा है 2 के पावर में 1/4 नो 16 के पावर में 16 के पावर में 1/4 अगर लिखा हुआ है, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर हो गए, इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे। तो लॉग 16 तो सेम रहेगा, 2 यहां पे सेम रहेगा इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब जब रूट में रहेगा या किसी के पावर में लिखा रहेगा तब भी हम लॉग को आसानी से लिख सकते। आज हम इसी पे आगे चर्चा करेंगे। अब ये आप समझ लीजिए कि पहली चीज कि किसी भी जो निगेटिव नंबर्स होता है या निगेटिव पावर अगर दिया रहेगा, फ्रैक्शन में पावर दिया रहेगा लॉग निकाल लेंगे हम, रेस्ट नंबर में दिया रहेगा नेचुरल नंबर में दिया रहेगा उसको हम लॉग निकाल लेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी निगेटिव नंबर्स में पावर या निगेटिव नंबर्स में बेस दिया गया है तो हम उसको लॉग के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है, मतलब निगेटिव नंबर्स का लॉग आप नहीं बना सकते हो। ठीक, परिचित तो निगेटिव नंबर का लॉग आप नहीं बना सकते हैं। आज एक पॉइंट आप लिखिए, किसी भी धनात्मक संख्या का लघुगणक अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। मतलब कि जैसे हम कह रहे हैं कि 2 के पावर में 4 इज इक्वल टू 16 है, जब लॉग लिखेंगे तो लॉग 2 बेस 16 इज इक्वल टू 4। यूनिक का मतलब कि इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता है, इसके अलावा और हम कुछ नहीं बना सकते हैं, यूनिक का मतलब ये होता है। ठीक, हमने देखा कि ये 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, लॉग 2 16 और यहाँ पे 4, ये क्या हो गया हमारा, मतलब उसका जो लघुगणक जो होता है वो अद्वितीय यूनिक होता है। ठीक, पहला चीज तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। दूसरा होता है कि किसी भी आधार एक पर एक का जो लॉग होता है कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे समझेंगे इसको,
दूसरा बात है आधार एक पर एक का लाभ कोई भी संख्या हो सकती है। इसका मतलब क्या है? आधार एक पर एक का लाभ, समझ रहे हैं आप? आधार एक पर एक का लाभ, जैसे एक की पावर में कुछ भी, ये मतलब कुछ भी इक्वल टू एक ही आएगा। जैसे लॉग वन वन इज इक्वल टू एक, कुछ भी लिखेंगे। दूसरा एक की पावर में फाइव इज इक्वल टू वन, तो लॉग वन वन इज इक्वल टू फाइव, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसे। इसका मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तीसरा देख लीजिए एक और इसी में, एक की पावर में एट इज इक्वल टू एक ही होता है, तो लॉग वन इज इक्वल टू एट। हम क्या देख रहे हैं, मतलब किसी भी आधार पर, आधार एक पर जो एक का जो मान होता है वो कोई भी संख्या हो सकती है। हमने देखा आधार एक पर एक का जो लॉग होता है वो कोई भी संख्या हो सकती है। और इसके आगे एक चीज और देखते हैं, ये नोट कर लीजिए सभी लोग। चौथी चीज हम देखते हैं कि किसी भी आधार पर, हमने क्या देखा कि किसी भी आधार पर शून्य का लाग, किसी भी आधार पर जो शून्य का लाग, किसी संख्या का लाग उसी आधार पर एक होता है। किसी संख्या का लाग उसी संख्या पर एक होता है, उसी संख्या पर एक होता है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में, किसी संख्या का लाग, कोई संख्या मान लीजिए ए मान लीजिए, किसी संख्या का लाग उसी आधार पर एक होता है, एक की पावर ए बराबर ए। लेकिन कैसे? लॉग ए बेस में ए इज इक्वल टू वन, लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू वन। दूसरा गलत हो गया, दूसरा एक की पावर ऑफ फाइव इज इक्वल टू वन ही होता है, आप कैसे करेंगे? देखिए लॉग वन वन इज इक्वल टू लॉग ए की बेस में ए, हमने देखा लॉग टेन की पावर, यहां से हमने क्या लिखा एक की पावर में फाइव, कैसे इसको लिखेंगे पता सबको, लॉग फाइव बराबर होता है यहां। तीसरा दस की पावर में एक बराबर दस होता है, यहां कैसे लिखेंगे? लॉग वन टेन इज इक्वल टू लॉग टेन, लेफ्ट लॉग टेन टेन इज इक्वल टू कितना होगा वन, लॉग वन फाइव इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉग टेन टेन इज इक्वल टू वन हो गया। इस तरीके से हम कुछ भी बना सकते हैं। लॉग एक की पावर में पांच फाइव इज इक्वल टू वन होगा, लॉग टेन बेस टेन इज इक्वल टू फाइव, वो संख्या खुद होती है। एक की पावर में फाइव इज इक्वल टू यहां से हमने यहां फाइव यहां वन, वो संख्या खुद होती है। ठीक, ये तो हमने देख लिया। फोर्थ फाइव टॉपिक इसको नोट कर लीजिए, हमने क्या देखा किसी संख्या का लाभ उसी संख्या पर एक होता है, किसी संख्या का लाभ उसी संख्या पर, मतलब ये संख्या है उसी पर लाभ, किसी संख्या का लाभ उस संख्या पर एक होता है, हमने देख लिया। फाइव पांचवी चीज देखिए, पांचवी चीज क्या है, फाइव ये है कि किसी आधार पर शून्य का जो लाग होता है, किसी आधार पर शून्य का लाग अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब
जैसे हमने देखा a की पावर में इंफिनिटी इक्वल टू शून्य, हमने कहा किसी भी आधार पर शून्य का लॉग, किसी भी आधार पर शून्य का लॉग, लॉग a शून्य का लॉग इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। ये तो बोला ना, किसी आधार पर शून्य का लॉग अपरिभाषित इंफिनिटी होता है, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, 1 के पावर में इंफिनिटी इज इक्वल टू शून्य, तो लॉग 10 इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब आप इन पांच चीजों को अगर नॉलेज में अगर रखते हैं जितनी हमने बताया, तो आपका लॉग का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन पूरे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इन पांच चीजों को, जिन पांच चीजों को हमने आज बताया। पहला हमने क्या बताया कि किसी भी नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर्स का लघुगणक नहीं ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी नेगेटिव नंबर्स का जो लघुगणक होता है उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि किसी आधार पर किसी धनात्मक संख्या का जो लघुगणक होता है वो अद्वितीय यूनिक, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अब तीसरी चीज हमने क्या देखा कि आधार एक पर एक का जो लॉग होता है, आधार एक पर एक का जो लॉग होता है वह कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे एक की पावर में a इज इक्वल टू 1, एक की पावर में 5 इज इक्वल टू 1, वो संख्या खुद ही प्राप्त होती है, ठीक। और चौथी चीज हमने देखा कि किसी संख्या का लॉग उसी आधार पर एक होता है, किसी संख्या का लॉग उसी आधार पर। हमने देखा हमें किसका लॉग निकालना है, 5 का लॉग निकालना है, 5 के आधार पर कितना होगा, 1 होगा। किसी संख्या का लॉग उसी आधार पर 1 होता है। अगर लॉग और आधार बराबर है तो वो उसका मान कितना होगा, लॉग का मान 1 होगा। और हमने लास्ट चीज देखा कि किसी आधार पर शून्य का जो लॉग होता है वो अपरिभाषित होता है। हमने देख लिया कि किसी पांच चीजें लघुगणक समझने के लिए, ये पांच चीजें अगर आपके माइंड में है तो लॉग आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।